Are we live? I don't know. Are we live? Who? Yes, I think, yeah. We are live. Hello, friends. कैसे आप सब लोग? आलम स्टार, क्या नाम है आपका? वाह, हेलो तन्वी, हेलो अफरीदा, अफरीदा रहमान खान, हाय मयंक लखीरा, हाय मयंक, नेहा, हाय नेहा, वुल्फ ब्लड ब्लडेड, हाय. सो धीमे धीमे सब ज्वाइन कर रहे हैं और आज दिवाली है तो सबको मेरी तरफ से दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं. जितना अच्छे से हो पाए उतना अच्छे से दिवाली सेलिब्रेट करिए आप सब लोग. और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि बी हैप्पी, खुश रहिए. हाँ, मैं कानपुर में हूँ इस वक्त, जिसने भी पूछा अभी. सागर, मैं बहुत खुश हूँ. मैं आपको बता देता हूँ, आप जितने लोग भी मुझे देख पा रहे हैं, कि अभी मैं अपने दो अकाउंट से लाइव हूँ. एक मेरा इंस्टाग्राम पेज और दूसरा फेसबुक. सूरज, लव यू सूरज, लव यू टू. हाय अनीशा, थैंक यू अनीशा. वंस टेल माय नेम. हिमांशु शर्मा. मैं सबका नाम मुश्किल होगा लेना, बट या आज दीपावली है और दीपावली के दौरान मैंने अपना एक गाना रिलीज़ किया, नैना. मैंने सोचा क्यों ना उसके बारे में आप सबसे बात की जाए. तो मैं चाहूँगा कि नैना को लेके आप मुझसे सवाल करें और जो भी आपका मन है वो सवाल करें. शिवम, यू वांट टू मीट मी? ऑफ कोर्स वी विल मीट. सौरभ ने बोला नैना की दो लाइनें गा दीजिए, मैं गाऊंगा. अच्छा लग रहा है, सब धीमे धीमे ज्वाइन कर रहे हैं. हैप्पी दिवाली टू ऑल. हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली सबको. हैप्पी दिवाली. चलो नैना गाते हैं, शुरुआत नैना से करते हैं. ऑलराइट, सो नैना इज अ नॉन फिल्म थिंग, पॉप म्यूजिक नॉन फिल्म, जो कि मैंने अपने चैनल से लॉन्च किया है. ऑफ कोर्स सब्सक्राइबर्स कम हैं, बट जितने सब्सक्राइबर्स हैं उस हिसाब से बहुत अच्छा एक्सपोजर मिल रहा है मुझे, बहुत प्यार मिल रहा है और अच्छा लगता है ये अनकंडीशनल प्यार. जब आप हम जैसे आर्टिस्टों को इतना प्यार देते हैं, जितने भी आर्टिस्ट हैं उनको इतना प्यार मिलता है तो काफ़ी खुशी होती है. तो क्यों ना नैना से ये हमारी बातचीत शुरू की जाए. ठीक है. कोरे कोरे नैनों में बीज ये कैसा बोया रे, सावन भादों अखियों में बैठ के ऐसे रोया रे, मुँह चल गए चल गए चल गए नैना नैनों से, मुँह चल गए चल गए चल गए नैना नैनों से, मुँह चल गए चल गए चल गए नैना नैनों से, मुँह चल गए चल गए चल गए नैना नैनों से. सो इट्स अ नॉन फिल्म थिंग और या आई होप कि आप सबको पसंद आया है ये गाना. मैं थोड़ा सा शायद अच्छा ना गा पा रहा हूँ क्योंकि मुझे कोल्ड है. कानपुर में हूँ, ठंड है, सो थोड़ा सा मुझे कोल्ड है, तो इस वजह से
थोड़ी देर में अगर गाऊंगा कंटिन्यू तो मेरा गला खुल जाएगा. अमित मिश्रा ने बड़ी अच्छी बात बोली, सर आप दिल में हैं एफबी पे नहीं. थैंक यू अमित, इट्स रियली स्वीट. या विपिन जी कैसे हैं? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे. जल्दी से मुलाकात करते हैं जब मैं मुंबई वापस आऊँगा. तो मैं चाहता हूँ कि नैना से रिलेटेड आप मुझसे बहुत सारे सवाल करें, और आप सबसे रिक्वेस्ट भी है कि जो मेरी एक छोटी सी शुरुआत है मेरे यूट्यूब चैनल की, उसमें आप सबकी बहुत ज़रूरत है. तो जितने से ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सब्सक्राइब करेंगे उतना मुझे मज़ा आएगा काम करने में. यासिर खान फ्रॉम पाकिस्तान, थैंक यू यासिर, हाय. और आप सब, आप सबको भी हिंदुस्तान की तरफ से आपको पाकिस्तान को बहुत सारी शुभकामनाएं दिवाली की. तेरा चेहरा जब नजर आए, अच्छा ये जमीन रुक जाए आसमां झुक जाए, तेरा चेहरा जब नजर आए, हो तेरा चेहरा जब नजर आए. मैं अपने घर पे हूँ कानपुर में, और कुछ कानपुर के कुछ फैंस हैं जो नीचे गाना गा रहे हैं मेरे घर के नीचे, और अच्छी मेडले तैयार की इन्होंने मेरे गानों की भी, और जो उनका मन हो रहा है वो भी गा रहे हैं. वो काफ़ी यू नो अच्छा लगता है. मैं आपको दिखाता हूँ. कैन वी शो देम? अच्छा मैं यहाँ से जाऊँगा तो नेट का प्रॉब्लम हो सकता है. सो या लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूँगा कि मैं रिकॉर्ड कर लूँ उनको फिर, और आप सबके सामने मैं ज़रूर पोस्ट करूँगा वीडियो. विपिन जी कह रहे हैं एक सोनू भाई का गाना हो जाए, शुक्राना साहब. विपिन जी मजाक के मूड में है. और विपिन जी अगर आप ऐसा बोल रहे हो तो मैं इस वक्त तो नहीं गा पाऊँगा वो गाना, क्योंकि आपको भी पता है मैं क्यों नहीं गा पाऊँगा. मैंने मतलब हमारी टीम नेट से टीम वर्क शूट किया है कतर में दोहा, तो वो वहाँ पे काफ़ी अच्छा एटमॉस्फेयर था. और मैं कतर व्हाट यू वांट उसका हाथ है, हाथ है उसका, हाथ है, गेट मत बंद करना. ओके तो कतर में शूट किया है, और मिसिंग योर सॉन्ग या कतर में शूट किया, जो कि मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा कतर गवर्नमेंट को जिन्होंने इतना सपोर्ट किया. उन्होंने यू नो लोकेशन प्रोवाइड की, वहाँ के लोगों को थैंक्स दिल से. बहुत बहुत प्रॉब्लम नहीं हुई हम लोगों को, और बहुत अच्छे से गाना शूट हुआ. ये रवि पूछ रहे हैं एंजेला कैसी रही, एंजेला के साथ आपकी शूटिंग कैसी रही? एंजेला के साथ बहुत अच्छी शूटिंग रही. एंजेला बहुत ही स्वीट लड़की है और बहुत सपोर्टिव है. मोस्टली बहुत कम ऐसा हो पाता है कि आप यू नो आप ऐसा शूट कर रहे हो गाना और सामने से इतना सपोर्ट मिले. मेरे साथ दोनों एक्सपीरियंस रहे हैं, जब उतना सपोर्ट मिला है और उतना सपोर्ट नहीं भी मिला है. लेकिन एंजेला के साथ बहुत सपोर्टिव लड़की है, और बहुत बहुत अच्छे से काम किया हमने, और मुझे ऐसा लगता है वो केमिस्ट्री दिखी भी है स्क्रीन पर. सो या बहुत मज़ा आया उसके साथ, अगर वो सुन रही होगी तो काफी अच्छा रहेगा. ये यासु पूछ रहे हैं कि गाना मिलेगा कहाँ पे, ऑडियो गाने का. एक ने लिखा सर आई मस्ट सी यू लुक लाइक पाकिस्तानी.
यार देखो हम पाकिस्तानी हिंदुस्तानी एक ही तो है सब, अब एक सरहद ने बांट के रखा है लेकिन हम सब एक है। ओ यासु पूछ रहे थे कि ये गाना अवेलेबल किधर है। यासु ये गाना अगर आपको वीडियो देखना है तो आप मेरे चैनल पे जाके सब्सक्राइब, अंकित तिवारी यूट्यूब चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन होता है उसको उसको हिट करिए, वहाँ पे आपको ईजिली मेरा गाना मिल जाएगा। इनफैक्ट मैंने इसके पहले जो बेपिंजरा गाना रिलीज़ किया है और छोटे छोटे से मैंने पियानो वर्जन डाले हैं अपने कुछ गानों के, वो सब आपको वहाँ मिल जाएंगे। और जैसे जैसे मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे वैसे वैसे मैंने सोचा हुआ है, लेकिन मैं अभी जानबूझ के नहीं कर रहा हूँ क्योंकि सब्सक्राइबर्स कम है, जब एक बार ज़्यादा से हो जाएंगे तो मैं वो छोटी छोटी टेक्निक्स जो स्टूडियो में जैसे हम काम करते हैं कैसे काम करते हैं, क्या गाने होते हैं, यू नो स्टूडियो के अंदर का माहौल क्या होता है, वो मैं मे बी उसके थ्रू लाइव जाऊँ यूट्यूब के थ्रू, या मैं प्री रिकॉर्ड करके उसको अच्छे से डालूं, ये मैं करूंगा। बस मैं इंतज़ार कर रहा हूं कि एक लमसम सब्सक्राइबर्स हो जाए जितना यू नो मुझे मैं सोचता हूं, उसके बाद मैं वो सब करूंगा। लेकिन आपके सवाल का जवाब ये है कि उसका वीडियो देखना है तो आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं अंकित तिवारी यूट्यूब चैनल, और अगर उसका ऑडियो सुनना है तो मैंने एक गाना किया था तुम हर दफ़ा हो, वो था गाना ओरिजिनल सीज़न वन, और अभी मैंने किया है नैना, ये है गाना ओरिजिनल सीज़न टू। गाना ऐप उसको डाउनलोड कीजिए, उसमें आपको मेरा एक्सक्लूसिव गाना ओरिजिनल पर मिल जाएगा। संदीप नाथ जी अभी अभी ऑनलाइन हुए हैं। संदीप जी कैसे हैं आप? संदीप नाथ जी और मेरा कोलेबरेशन का एक सबसे बड़ा गाना जो है, हमने और भी गाने किए हैं लेकिन सबसे बड़ा गाना जो मेरा उनका गाना है वो है सुन रहा है ना तू फ्रॉम आशिकी, संदीप जी ने वो लिखा है, लिरिसिस्ट है उस गाना उन गानों के, और उन्होंने बहुत से और भी बहुत से गाने लिखे हुए हैं मेरे साथ, और पहले भी बहुत अच्छे अच्छे गाने लिखे हुए हैं। फैशन का जलवा एक गाना आया था, डोंट है ये जलवा फैशन का है ये जलवा, ये संदीप जी ने लिखा था। या माय अपकमिंग प्रोजेक्ट इन बॉलीवुड, मेरी एक फिल्म है रॉ वो आ रही है, बाटला हाउस एक फिल्म है वो आ रही है, और मुझे एक्चुअली कुछ टेंटेटिव टाइटल्स हैं जिनका नाम नहीं ले सकता, जिन मतलब फिल्म का अभी नाम डिसाइडेड नहीं है, कुछ वो फिल्म्स हैं वो आ रही हैं, और एक फिल्म है अमावस एक फिल्म आ रही है, इट्स मैंने एक गाना किया था कतरा कतरा, वो सेम टीम है उनके साथ आ रही है, और गाना भी कुछ वैसा ही है सिमिलरली। सो लेकिन हाँ मेरे फिल्म के गाने जो हैं वो अगले साल तक आएंगे, इस साल तो खैर साल भी जा रहा है, अगले साल आप ज़रूर सुनेंगे। और बताएं आप लोग, आप सबको आई थिंक आवाज़ आ रही है, तू ना हो फिर भी तू होता, यार रियली स्वीट, कितनी देर से खड़े हैं, मैं एक्चुअली दिखाना चाह रहा हूँ आप सबको बट वहाँ नेटवर्क ब्रेक होगा। खैर तुम हो मेरे इरादों में भी कसमों में वादों में भी, तुम हर दफा हो, तुम हो क्या था, रब के इरादों में भी बिन बोले वादों में भी, तुम हर दफा हो। सॉरी मैं लिरिक्स बोल रहा हूँ, हर्ष मणि त्रिपाठी पूछ रहे हैं आवाज़ किस कैसा आ रहा है, एक्चुअली नीचे कुछ मेरे फैंस खड़े हुए हैं फ्रॉम कानपुर, वो यहाँ पे आए हैं मेरे घर पे नीचे इधर, तो वो गा रहे हैं
लेकिन मैंने आपसे वादा किया था कि मैं लाइव आऊंगा, आपसे बात करने के बाद मैं वहां जाऊंगा, उन सबसे मिलूंगा। हाँ, इम्पोर्टेंट, वेरी इम्पोर्टेंट। जितने भी आप सब सिंगर्स हैं या नॉन सिंगर्स हैं, बट आई एम श्योर आप सबको म्यूजिक में इंटरेस्ट है, तो मैं चाहूँगा आप सबसे, मैं हक से भी कह सकता हूँ क्योंकि हमारा आपका रिश्ता ही ऐसा है, और रिक्वेस्ट भी कर सकता हूँ क्योंकि आप हैं तो हम हैं, कि नैना का आप अपना एक वर्जन जैसा भी आप चाहें, जिस तरह से भी चाहें, आपको किसके नैना अच्छे लगते हैं। क्योंकि ये जो गाना है नैना, ये बहुत शुरुआती दिनों का गाना है मेरा, और इसके पीछे एक छोटी सी लव स्टोरी है जो पनपी और नहीं पनपी, खैर वो अलग स्टोरी है, मैं कभी बाद में बताऊंगा आपको। लेकिन मेरा ये सवाल है आपसे और ये कहना है आपसे कि आपके लिए वो स्पेशल नैना किसके हैं, आपके लिए ऐसे कौन से वो कोरी कोरे नैना हैं जिनको याद करके आप भी बैठ गए थे, आप भी सोचने लगे थे, आप भी उनके नैना में खो गए थे। उनको याद करके, और हो सके तो उनको टैग करिए, और ये गाना मेरे लिए और उनके लिए डेडिकेट करिए। मैं चाहता हूँ आप सबके वीडियोस देखना, मैं चाहता हूँ कि आप वीडियो पोस्ट करें, और यू कैन टैग मी ऑन माय इंस्टाग्राम और फेसबुक, और जहाँ जहाँ भी यू नो मैं अवेलेबल हूँ, आप कहीं भी टैग कर सकते हैं, और मैं फॉर श्योर उसको उसको देखूँगा, और रीट्वीट और कमेंट्स जो भी है, मैं अपनी तरफ से मैं उसको करूँगा। सामी रैना ने बोला है वो रिश्ता बहुत अच्छा सॉन्ग है, थैंक यू सो मच सामी। इट्स अ वो रिश्ता सॉन्ग जो है वो इट्स अ ब्रदरहुड थिंग। मेरी ब्रदर बीएच म्यूजिक कैफे एक्चुअली एक हमने बनाया है जिसके अंडर म्यूजिशियंस काम करते हैं, उनका गाना है ये, मैंने गाया है बस। दे आर सिंगिंग नैना, सावन भादो अखियों में बैठ के, जिस तरह से दे आर सिंगिंग, मैं ऑफ कोर्स उनका वीडियो बनाऊंगा और मैं डालूंगा, उस तरह से मैं चाहता हूं कि आप भी, इफ यू आर गर्ल और बॉय, सिंग नैना फॉर हर और फॉर हिम, वॉट एवर, दिल से गाइए ताकि आपकी आवाज उन तक पहुंचे। लेकिन आप जैसे भी गाएंगे आपकी आवाज मेरे तक तो पहुंचेगी, तो प्लीज गाइए, और जरा तुम जाके बात कर लो वरना मैं ये चाहूंगा कि आपकी आवाज मेरे तक तो कंफर्म पहुंचेगी, और प्लीज आप जाके नैना जरूर सुनिए। अच्छा, पहली नहीं, दूसरी बार जितने भी म्यूजिशियंस हैं, मैं उन सबको बताना चाहूँगा जो भी म्यूजिक में इंटरेस्ट ले रहे हैं, कि ये जो गाना है मैंने खुद प्रोग्राम किया है, और मुझे एक अलग एक्सपीरियंस मिला ये करके, प्रोग्रामिंग करके, अरेंज करके, और काफ़ी सीखने को मिला। सो अच्छा लगता है जब कंप्लीट काम करूँ, सो काफ़ी दिनों बाद मैंने किया और एक अच्छा एक्सपीरियंस गेन किया प्रोग्राम करके ये गाने को। सो या अब मुझे प्रॉमिस करिए कि आप नैना ज़रूर सुनेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। दुबई आ रहे हो मिलना है? हाँ, मैं दुबई आ रहा हूँ, अब कैसे मिलना ये नहीं पता। क्या कह रहा था? वीडियो ज़रूर बनाइए, नैना का वीडियो ज़रूर बनाइए, हो सके तो दिवाली गिफ्ट आज ही मुझे दीजिए क्योंकि आज दिवाली है, आज शाम के पहले पहले जितने भी वीडियो आएंगे मुझे बहुत खुशी होगी, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। सो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाएं, कुछ नहीं करना है, ऐसे फ़ोन पकड़ना है और नैना गाना है, सिंपल। एक ऐप भी बहुत चल रहा है, टिकटॉक्स में
स्म्यूल है, स्म्यूल तो एक्सक्लूसिव है हमारे गाने का, और मैं अपना ये गाना स्म्यूल पे भी डालूंगा ताकि डू इट हो सके, बहुत जल्दी डालूंगा। क्या गा रहे हैं? सो मुझे जाना होगा, आई थिंक अब निकलना होगा, मैं 2 बजने जा रहा है, मैं आपका इंतज़ार लेट नाइट तक करूँगा। यस यस, लेट नाइट तक करूँगा आपकी वीडियो का इंतज़ार। और मुझे यहाँ पे बैठे हुए सब लोग बता रहे हैं हैप्पी दिवाली बोलो, बहुत सारा प्यार दो अपने फैंस को, बट थैंक यू सो मच अगेन। इस लायक नहीं हूँ जितना प्यार आप मुझे देते हैं, मुझे मैं इमोशनल हो जाता हूँ ये देख के कि आपका इतना प्यार मुझे मिलता है। मेरी उतनी औकात नहीं है जितना प्यार सच में मुझे आप सब देते हैं। मैं जा रहा हूँ और जो भी कुछ गा के मैं जाता हूँ, आप बताइए मुझे क्या गाना होगा। तेरे होने से ही मेरा होना है, तुझको खोना जैसे खुद को खोना, तू जो है तू मैं हूँ, यूं जो है तो मैं हूँ, तेरी सांसों की सांसों में जो हूँ तो मैं हूँ, सोनिए दिल नहीं लगता तेरे बिना, दिल नहीं लगता तेरे बिना, सोनिए दिल नहीं लगता तेरे बिना, दिल नहीं लगता तेरे बिना, मंजिलें रुसवा है, खोया है रास्ता, तू मेरे अल्फाजों की तरह, तू मेरे लिहाजों की तरह, गुनगुना लूं आ जा मैं तुझे, तू मेरी आवाजों की तरह, ख्वाबों का मुसाफिर नमाजी ना काफिर, सैया ये बता दे कहाँ हूँ मैं आखिर, ये कैसी है तेरी आँख में चोली, मुझे घर ले जा मुझोली, दिल दर बदर मेरा, दिल दर बदर ए मेरे दिल, मुबारक हो यही तो प्यार है। थैंक यू सो मच, हैप्पी दिवाली टू ऑल। अपना ख्याल रखिएगा, आपसे रिलेटेड जितने लोग आसपास हैं पूरी फैमिली का अच्छे से ख्याल रखिए, प्यार से रहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा मिसिंग चीज़ आज के टाइम पे है प्यार। प्लीज़ कीप लविंग ईच अदर, अच्छे से रहिए और अच्छे से दिवाली सेलिब्रेट करिए। ऑलराइट, बाय, टेक केयर।